जर्नी मेरी अगर मैं बात करूं तो 2007 से स्टार्ट हुई थी। मुझे शौक़ था क्रिकेट का और मुझे ये भी शौक़ था कि मैंने इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखना है, अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स को देखना है। तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका आई थी, तो मैंने किसी को बोल के मुझे बॉल पिकर लगवा दें, तो उन्होंने लगवा दिया। तो उस दौरान मैं फिर रोज़ गुलबर्ग से पैदल यहाँ पे आता था स्टेडियम, और रोज़े मेरे ख्याल से रोज़े भी मेरे जहाँ तक ख्याल बढ़ता है रोज़े भी चल रहे थे। रमज़ान था मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत ना हूँ तो वो कभी कभार रोज़ा भी रख लेना, तो वो लंच जो मिलना वो संभाल के रख लेना, शाम में वो उसको घर ले जाना कि चलो कोई खा लेगा, यहाँ मैं मुझे वहाँ पे मिल ही जाता था। तो वो चीज़ें भी काफ़ी हेल्प करती थी। और दूसरा, क्रिकेट को एंजॉय करता था बॉल पेकर, क्योंकि वहाँ पे आपको बताया कि बॉल पेकर नॉकिंग करवाते थे। मैंने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाता था, अपने प्लेयर्स को नॉकिंग करवाना, बॉल पकड़ने, तो बाउंड्री के मैच के दौरान बाउंड्री पे बॉल पकड़ने। तो उस दौरान इंजी भाई का सुनने में आ रहा था, मैचेस वो सीरीज से पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन था कि वो ये आखिरी मैच या उनका लास्ट मैच होगा। तो वो टेस्ट मैच चल रहा था, तो उनको 2 रन चाहिए था जावेद भाई का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो स्टंप हुए। तो वो वहाँ से वो जब मैं वो जो ड्रेसिंग रूम में जा रहे थे, तो वो मैंने पूरा उनको देखा, और वो जो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्होंने जो गुस्सा निकाला, बैट बैट मारा, वो भी मैंने मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने वो गुस्सा निकाला बैट पे, और अंदर जाके जो उन्होंने फ्रस्ट्रेशन निकाली, तो वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। जर्नी काफ़ी आसान नहीं थी, मुश्किल थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हर स्टेज पे हेल्प की। देखें, उस दौरान एक ड्रीम था मेरा कि मैं यहाँ पे खेलूँ और पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और अब अल्लाह ने पूरा किया है, और अब मैं कप्तान हूँ और उसी टीम के अगेंस्ट मैं कप्तानी करूँगा। वो टीम आई है और आज मैं उसका वो कप्तानी कर रहा हूँ, तो काफ़ी काफ़ी प्राउड फील कर रहा हूँ, लकी फील कर रहा हूँ कि अल्लाह ने 2007 से शुरू करके 2021 में उन्होंने मुझे कहाँ पे ला के खड़ा किया। ये मेरे ख्याल से इजी नहीं था, बड़े सेक्रीफाइसेस, बड़ी मेरे ख्याल से इसके पीछे बहुत सी मेहनत, बहुत सी परफॉर्मेंसेस, बहुत से अप एंड डाउन्स देखें ज़िंदगी में आते रहते हैं। तो वो सारे आपको फिर स्टेप बाय स्टेप देखें, स्टेप बाय स्टेप जब आप आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से वो आपको हेल्प करता है। जब मैं बॉल पिकर था साउथ अफ्रीका सीरीज़ में 2007 में, तो एक इंसिडेंट मुझे याद है कि जेपी डुमनी ने अब्दुल रहमान को, मुझे याद है कि एक निकल के शॉट मारी, मैं बाउंड्री पे था, तो वो मैं नीचे खड़ा हूँ, तो मैंने सिर्फ ऐसे आराम से कैच पकड़ा और मैंने ना फेंक दिया। तो वो उस दौरान मेरे ख्याल से एम्बिशन था, उसने थोड़े से वर्ड्स ये बोला था कि यार ये मुझे लगता है इसके कैच से कि ये कुछ ना कुछ बनेगा। तो वो मुझे आज तक याद है कि यार वो वर्ड्स उसने मेरे लिए बोले थे, तो उससे भी मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था। और उस दौरान मुझे ए बी डिविलियर्स बहुत पसंद था, तो उसको भी देख के मैं काफ़ी मतलब एक होता है ना फ़ैन के तौर पे, तो वो काफ़ी मैंने उस दौरान मैंने उस कोशिश की उसके आसपास वो देखूं वो क्या कर रहा है, वो कैसे बैटिंग कर रहा है, वो फील्डिंग कैसे कर रहा है, तो वो मैं उसको देखता रहता था, उसको देखता हर जगह। अगर वो वार्म अप के दौरान मैं ना वो पाकिस्तान की तरफ नहीं, मैं ना साउथ अफ्रीका की टीम के पास ही रहता था कि यार वो हाँ वो बंदा क्या कर रहा है, तो उसको देख देख के ना काफ़ी उसको बूस्ट मिलती थी। देखें, जब आप एक ड्रीम के पीछे जाते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको अचीव करते हैं, तो मेरे ख्याल से किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हैं या आप उस चीज़ को ढान लेते हैं कि यार मैंने यहाँ पहुँचना है, तो वो आप स्टेप बाय स्टेप उसके पीछे, ये नहीं है कि आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, आप छोटे गोल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। तो मेरे ख्याल से जितना आप छोटे गोल्स को अचीव करेंगे, आप बड़े गोल को अचीव कर लेंगे। और आपके सामने देखें, मैं बॉल पिकर था, लेकिन मेरा एक गोल था कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में खेलना है, और अब आपके सामने देखें मैं एज अ कप्तान बैठा हूँ। आप सबकी भी दुआएं हैं, लेकिन मेरी हार्डवर्क और मेरा एक बिलीव था, मेरा एक यकीन था कि मैं इसको अचीव कर सकता हूँ।